दोस्तों आज की हमारी नई रेसिपी है दाल माश। आइए देखते हैं दोस्तों ये कैसे बनती है। सबसे पहले दोस्तों हम दो मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे जिनको हम क्रश करेंगे, और क्रश करने के बाद इसे हाफ कप ऑयल के साथ प्रेशर कुकर के अंदर फ्राई करेंगे। तो आपने दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है प्याज फ्राई करते हुए आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, और प्याज को उस वक्त तक आपने फ्राई करना है जब तक इनका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें दूसरे मसाले जो ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे, यानी कि इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 से 3 ग्रीन चिली जो कि बारीक कटी हुई होनी चाहिए या इसका पेस्ट होना चाहिए, इसे ऐड कर देंगे। ये देखें ये बारीक कटी हुई ग्रीन चिली है जिसे हम ऐड करेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों कि हमारे ये मसाला जात मीडियम फ्लेम पे कुक होनी चाहिए और इनको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करेंगे। दोस्तों इन मसाला जात को बनाने के बाद फिर हम दूसरी स्पाइसेस को ऐड करेंगे, जिनमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसके बाद 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, इसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला। आप ये देखें दोस्तों ये गरम मसाला, और हाफ से लेके 1 टीस्पून हल्दी को ऐड करेंगे। दोस्तों हल्दी मसाला जात का जायका बढ़ाने के साथ साथ कलर का काम भी करती है। और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इस मसाला जात को, यानी कि हमारा जो ये मसाला बन रहा है, इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर दाल माश को ऐड करेंगे। ये देखें दोस्तों ये है हमारी दाल माश। तो ये दाल माश आपने ख्याल रखना है तो कम से कम इसको 1 घंटे के लिए पानी में सोक करना है, और सोक करने के बाद इसे इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे जो कि हमने तैयार किया था, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। ये देखें ये हमारी दाल माश, इसको हमने मसाले के अंदर ऐड कर दी। इसके बाद दोस्तों इसको ठीक से कुक करने के लिए इसमें तकरीबन 1 कप पानी का ऐड करेंगे, जिससे इसकी कुकिंग या बॉइलिंग जो होगी वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर के अंदर ढक्कन को बंद करके तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे, यानी कि कुक करेंगे, ताकि ये प्रॉपर कुक हो सके। ये देखें दोस्तों आफ्टर 4 to 5 मिनट्स देखें अब ये दाल तकरीबन पक चुकी होगी, यानी कि गल चुकी होगी, और ये प्रॉपर गल चुकी है। ध्यान रखना है हमने प्रेशर कुकर पे भी इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखें दोस्तों इसको हम अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्सअप करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें दूसरी स्पाइसेस को ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम साल्ट को ऐड करेंगे, आप हसबे ज़रूरत भी साल्ट को ऐड कर सकते हो। साल्ट को ऐड करने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच योगर्ट के ऐड करेंगे, यानी कि दही के ऐड करेंगे। दोस्तों दही हमारी दाल को टेक्सचर भी देगी और इसके जायके को भी एनहांस करेगी। दही ऐड करने के बाद हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स को ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स को ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट पकाएंगे इसे। पकाने के बाद इसमें 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे, और ज़ीरा ऐड करने के बाद दोबारा से इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि इसके अंदर मौजूद पानी जो है वो अवेपोरेट हो जाए।
दोस्तों हमने इसके टेक्सचर को थिक बनाना है। ये देखें 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसका ज़्यादातर पानी जो है वो सोक हो गया, यानी कि वेपोरेट हो गया। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, और हरा धनिया ऐड करने के बाद इसमें ग्रीन चिली के पीसीस को ऐड कर देंगे। ये देखें दोस्तों तकरीबन हमारी दाल अब तैयार है। ये देखें हमारी दाल कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। अब इस दाल को आप मज़े लेके खा सकते हैं। अब इसे हम अलग से बर्तन में ऐड कर लेंगे। देखें दोस्तों क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, और बहुत ज़बरदस्त बनती है दोस्तों। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बिल्कुल थिक टेक्सचर है, और ये प्रॉपर तरीके से भी कुक होती है। यही रेसिपी दोस्तों अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना या लाइक करना मत भूलिएगा। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।